महीना जिसकी मुनासबत से इकट्ठा हुए हैं ये महीना। और आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा की पैदाइश की मुनासबत से क्रिसमस डे लोग मनाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये 25 दिसंबर ही उनकी तारीख पैदाइश है या नहीं है, और अगर है तो उनके बच्चे, उनके घर वाले, बूढ़े जवान सब इसे मनाते हैं, अक्सरियत मनाती है, लेकिन सोचना ये है कि क्या इसका ताल्लुक दीन से है या नहीं। चुनांचे तफसील में जाने से पहले हमें चंद बुनियादी चीजों का जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो ये दीन इस्लाम मिला है, जो ईमान की दौलत मिली है, ये दुनिया की सबसे अजीम नेमत है। इसलिए कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं ये वो निज़ाम है, वो सिस्टम है, वो दस्तूर हयात है जो अपने आप में कामिल और मुकम्मल है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा दीन है जो जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखता है और इसमें हमें किसी की हाजत और ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि ये इंसानी बनाया हुआ निज़ाम नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ निज़ाम। इस निज़ाम ने आकर के दुनिया के तमाम पुराने निज़ामों को ख़त्म कर दिया, मंसूख कर दिया। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया لو كان موسى حيا لما وسع الا اتباعي कि अगर मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जिंदा होते तो उनके लिए मेरी इत्तबा जरूरी होती। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के सिलसिले में हम बहैसियत मुसलमान ये जानते हैं कि वो अभी इंतकाल नहीं किए गए, उन्हें जिंदा उठा लिया गया। कयामत के करीब जब वो आएंगे तो फिर हमारी शरीयत शरीयत मुहम्मदी पर चलेंगे, उसी की तनफीज करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से आएंगे। दूसरी चीज ये है कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब का एक बुनियादी असल, एक बुनियादी जाब्ता ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने दुश्मन हैं, चाहे यहूद हों या नसारा, काफिर और मुशरिक हों या आग परस्त, जितने दीन मुखालिफ हैं हमारा मजहब सबकी मुखालफत का हुक्म देता है, उनके तौर तरीकों को गलत करार देता है जो हमारे मजहब से उनके मुआफिक नहीं है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी हदीसों के अंदर ये साफ कर दिया है कि मुशरिकीन के तौर तरीकों को नहीं अख्तियार करना। और यहूदो नसारा जिनकी शुरू शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आकर के उनकी मुआफ़त को पसंद करते थे, लेकिन बद्र के मौके पर नहीं बल्कि उहद के मौका पर, जंगे अहज़ाब के मौका पर और दीगर मौकों पर जब उनकी गद्दारियां सामने आई तो रुक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत की, उनकी जिलावतनी का इरादा किया और उन्हें मदीना से बाहर किया गया। तीसरी चीज ये है जो हमें इस मौके पर जानना जरूरी है वो ये कि हमें अपने दीन के सिलसिले में जहां ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि बहुत बड़ी नेमत हमें मिली है, वहीं उस दीन के बारे में वाकफियत हासिल करना भी जरूरी है, वरना हम जाने या अनजाने में इस तरह की गलतियों के शिकार हो जाए। आज का जो मौजू है वो मौजू है जश्न साले नौ और मुसलमान, जिसे अरबी में ईद रास अव्वल सना कहते हैं और अंग्रेजी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन या फेस्टिवल वगैरह के नाम से ताबीर करते हैं, यानी नए साल के आने पर जश्न मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, खुशियां बांटते हैं और ना जाने क्या क्या खुराफात करते हैं जो किसी से मख्फी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज आई कहां से, क्या ये त्योहार है या नहीं है,
इसमें हम मुसलमानों को शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर आम तौर पे दो कैलेंडर चलते हैं, एक का ताल्लुक सूरज से है और दूसरे का ताल्लुक चांद से है, यानी एक को शमसी या आजकल अंग्रेजी और दूसरे को कमरी यानी हिजरी तकवीन या हिजरी कैलेंडर से लोग जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चांद और सूरज को कुरान करीम के अंदर ये बयान किया, वश्शम्स वल कमर हुस्बाना, आप अपने घंटों अपने दिनों अपने सेकंडों मिनटों का हिसाब सूरज के जरिए लगाते हैं। चांद के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकितु लिन्नास वल हज, लोग चांद के बारे में पूछते हैं, चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हिया मवाकितु लिन्नास, ये लोगों के औकात जानने का तरीका है और इसी तरह से हज का, गोया कि सूरज और चांद लोगों के निजाम सिस्टम टाइम को मुंजबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जहां इनके और बहुत सारे फवायद हैं उनमें से ये अहम फायदा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लश्शम्स यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल्लैल साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज की मजाल नहीं कि वो चांद के मदार में गर्दिश की जगह में पहुंच जाए और चांद को ये मजाल नहीं कि वो सूरज के मदार यानी उसकी गर्दिश की जगह में पहुंच जाए। ये ऐसी मशीनरी या ऐसी मशीनें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जिनके लिए कोई वर्कशॉप नहीं जहां मरम्मत या दुरुस्त करने के लिए सोचें, ये बिल्कुल बिला मिनट और सेकंड के फर्क से चल रहे और चलते रहे इल्ला ये कि कयामत का वक्त आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरज की रोशनी छीन ले और सूरज की रोशनी ही चांद अखज करता है, उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। और फिर सही हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें लपेट करके जहन्नम में डाल देगा। तो ये चांद और सूरज से जो तारीफें बनती हैं, अगर आप इनकी तफसील में जाएं तो आपको ये मालूम होगा कि इस्लाम के आने से पहले लोग किसी बड़े हादसे से किसी अजीम वाकये से अपनी तारीखें मुतय्यन किया करते थे, कोई उनके यहाँ जाब्ता नहीं था। चुनांचे यहूदियों के यहाँ तरीका था कि उन्हें मुख्तनसर के ज़माने में जब फलस्तीन से वीरान कर दिया गया भगा दिया गया तो उन्होंने उस तारीख से अपनी तारीख मुतय्यन की, किसी ने अपने बादशाह के उरूज और जवाल से अपनी तारीख मुतय्यन। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश चूंकि बगैर बाप के जरिए हुई थी, एक अजीब गरीब चीज थी, उससे उन्होंने अपनी तारीख मुतय्यन की। और अरबों के यहाँ हाथी का वाकया, अब्रहा जो यमन का बादशाह था जिसने खाने काबा को ढाने के लिए हमला किया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मामूली परिंदों अबाबिल के जरिए तहस नहस कर दिया उसकी हाथियों उसकी तमाम लावलश्कर को, चुनांचे हाथी वाला साल जिसको आमुल फील कहते हैं, जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, इस तरह से वो लोग तारीखों को और सालों को याद करते थे। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उनके यहाँ महीने नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है कि ये जो अरबी महीने हैं ये आसमान और जमीन की तखलीक से, जैसा कि सूरह तौबा में मौजूद है, लेकिन बाकायदा तारीख कि ये फला साल के मुहर्रम का महीना है या शाबान का महीना है, ऐसा कोई ज़ाब्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद भी, अगर बाकायदा तारीख का आगाज हुआ है इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तो सन 16 हिजरी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुआ। इस तरह से मामला चलता था। चुनांचे हुआ ये कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कुछ वाकयात पेश आए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक चेक आया जिसमें शाबान की तारीख लिखी हुई थी। अब उन्हें शुभा पैदा हुआ कि शाबान जो चल रहा है वो मुराद है या शाबान से गुज़श्ता शाबान मुराद है। इसी तरह से ये भी आता है
कि जो कि आजकल की तरह से वसाइल जराए इबलाग का ऐसा मामला नहीं था। हजरत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो किसी इलाके के गवर्नर थे, उन्होंने कहा आपका खत आता है ये नहीं पता चलता पहले का कौन है, बात करो। तो इस तरह की जब परेशानी हुई तो बाकायदा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कमेटी जो शूरा कमेटी कहलाई जाती थी उसके मेंबरान को इकट्ठा किया और मशवरा किया कि तारीख मुतय्यन की जाए ताकि इस किसी की परेशानी ना हो। किसी ने मशवरा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख को रखा जाए, पैदाइश की तारीख को, किसी ने बेहतत को, किसी ने वफात को, और रिवायतों में आता है हजरत अली या हजरत उस्मान या हजरत उमर, तीनों के बारे में आता है कि उन्होंने हिजरत की तारीख को बयान किया। और जाहिर सी बात है इंसान जिस माशरे जिस माहौल से आता है उसकी उन्हीं चीज़ों को पेश करता है। जैसे कि आपने सुना होगा अदान के मौका पर जब मशवरा लिया गया तो किसी ने नाकोस की बात की, किसी ने ईसाइयों यहूदियों के बजाने के जो आला था वो पेश किया, लेकिन चूंकि इस्लाम के खिलाफ था इसलिए लोगों ने इसे कबूल नहीं किया। बाद में ख्वाब में अदान का तरीका बताया गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हिजरत की तारीख मुतय्यन की जाए और कहा कि ये हिजरत की तारीख वो तारीख है जिसने हक व बातिल के मामले तफरीक कर दी। इसी हिजरत की वजह से इस्लाम को गलबा हासिल हुआ, इसी हिजरत की बुनियाद मुसलमान आजादाना तौर पर इबादत करने में शुरू हो गए। बिलाखिर हिजरत की तारीख मुतय्यन की गई। लेकिन आपको अगर मालूम हो तारीख तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल में हिजरत की, लेकिन इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम में होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह की दरहकीकत यह है कि बयाते अकबा सानिया जो हज जो हज के मौका पर जो हिज्जा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी चंद मदीना के अंसारी सहाबा से, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत कर ली थी हिजरत की, लेकिन हिजरत की इजाज़त आपको रबीउल अव्वल मिली थी। तो उस नियत का पर भरोसा करते हुए चूंकि उसके बाद जो महीना शुरू होने वाला था मुहर्रम का महीना था, इसलिए लोगों ने मुहर्रम की तारीख को इस्लामी कैलेंडर की पहली तारीख मुतय्यन की। मालूम यह हुआ कि हिजरत हिजरी तारीख मुतय्यन हुई और मुहर्रम से मुतय्यन। लेकिन यहां मैं आपको यह भी बतला दूं कि कमरी महीनों में कुछ गड़बड़ी है, जिस तरह से शमसी महीने में गड़बड़ी। कमरी महीनों में क्या गड़बड़ी थी? आप हिंदुस्तान में हैं, आपने सुना होगा कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ये हिंदी महीने हैं जिनकी बुनियाद पर गैर मुस्लिमों या हिंदुओं के यहाँ त्यौहार होते हैं। होली किस महीने में होगी, कौन सी चीज़ किस महीने में उनकी होगी, इन्हीं हिंदी महीनों के एतबार से ये महीने कमरी हैं, शमसी नहीं हैं। ये चांद के हिसाब से हैं लेकिन हमेशा जेठ गर्मी में पड़ता है। शायद बुजुर्ग लोग जानते होंगे लेकिन नौजवान तबका इस चीज को नहीं जानता। उसकी वजह यह है कि हर साल कमरी महीना 10 दिन शमसी महीने के मुकाबले में घटता है। जब 3 साल होते हैं तो 1 महीना हो जाता है। 3 साल में 1 महीना 1 महीने का फर्क हो जाता है। चुनांचे 12 × 36 36 साल में एक चक्कर एक राउंड होता है। ये लोग करते क्या है कि चैत से शुरू करते हैं। अब शुरू अगर 36 का राउंड पूरा हो गया तो चैत 3 साल के बाद चैत को डबल करेंगे, ऐसे ही फिर 3 साल के बाद बैसाख को डबल करेंगे और इस तरह से सूरज की माफिक करते हैं। ये गलती करते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफ्र कहा, इन्नम नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र। कैसे ये कुफर है? ऐसा ही काम मक्का वाले भी किया करते थे। अरबी महीने में 4 तारीख हैं, 4 महीने गुरमत के हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा अपने ऊपर या किसी मजदूर करना हराम। वो लोग जंगों की खातिर कभी मुहर्रम में लड़ाई की बात होती तो मुहर्रम को पीछे कर लेते या आगे कर लेते ताकि हलाल महीना आ जाता और लड़ाई कर लेते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको हराम करार दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हज किया था उस साल ऐसा था कि 36 का राउंड पूरा हो गया। उसी मौका पर आपने कहा इन ज़माना कद इस्तदार अला हैद यो मखलक समावाती वला इन्हा अबादी हो। अब 36 का राउंड पूरा हो चुका है, अब कोई कमी ज्यादती नहीं होगी, अब बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान और जमीन की तखलीक के वक्त
نقطے سے یہ چیز متعین کی تھی. معلوم یہ ہوا کہ قمری مہینے ہی کیا ہیں, مناسب ہیں, جس کو ہجری مہینہ کہا جاتا ہے, اور اسے اسلام نے اختیار کیا ہے. شمسی بھی کر سکتے تھے لیکن شمسی میں پریشانی. قمری مہینے میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے روزے, ہمارا حج, اور ہمارے ہر مہینے میں 13, 14, 15 جن کو ایام 20 کے روزے, عاشورہ کا روزہ, عرفہ کا روزہ, اور ہر مہینے کی تاریخیں چاند کی بنیاد پہ رکھے. چاند کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں. چاند دے کر روزہ رکھو, چاند دے کر چھوڑ دو, بدلی ہو جائے تو 30 کی تعداد پوری کرو. یہ ہے ہر ترقی یا تنزلی, ہر زمانے, ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہ اقسام. اگر سورج کے حساب سے کر لیتے تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آسانی اور ان پڑھوں کے لیے مشکل ہوتی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں, کبھی سردی میں, کبھی گرمی میں, کبھی برسات میں, گھومتا رہتا ہے, اور ہر موسم کا لطف لوگ اٹھاتے ہیں. ورنہ اگر ایک ہی مہینہ ہوتا سردی کا, یا ایک ہی مہینہ ہوتا گرمی کا, تو لوگ عبادت سے تھک جاتے اور عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ہے معاملہ تاریخوں کا. اس کے برعکس شمسی مہینہ, جس کی مناسبت سے اکٹھا ہوئے ہیں, یہ مہینہ, اس کو عیسی مہینہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے لوگ جوڑتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مناسبت سے کرسمس ڈے لوگ مناتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ 25 دسمبر یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو 1 جنوری کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. 25 دسمبر ہے یا نہیں, انجیل کے اندر اس کی مخالفت ہے کہ 25 دسمبر نہیں ہے یا سردی کا مہینہ نہیں ہے. قرآن میں ہے, حضرت مریم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا, وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور ہر شخص جانتا ہے کہ خجور کی فصل تیار ہوتی ہے گرمی کے مہینے میں, سردی کے مہینے میں نہیں. تو حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو خجور تیار تھے, کھانے کے لائق تھے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سردی کے بجائے گرمی میں ہوئی ہے. چلیے, یہ تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ سردی نہیں گرمی ہے. انجیل میں بھی مخالفت ہے اور قرآن میں مخالفت ہے. انجیل میں جو تحریف علی قرآن منقب منظر اور مقدس کتاب. دوسری چیز یہ ہے کہ 25 کے بجائے ایک ہفتے بعد کیوں مناتے ہیں؟ اس سلسلے میں انہی لوگوں کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ قدیم رومی مذہب, آپ نے سنا ہوگا قرآن میں غلب روم, روم عیسائی آباد تھے, اور اس زمانے میں کسرا یہ یہودیوں کا مانا جاتا تھا. اسی لیے مسلمان شروع شروع میں روم کی فتح کے تعلق سے زیادہ امید لگائے ہوئے تھے. تو رومی لوگ جب انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہے, ان بہت سارے معبودوں کو پوچھتے تھے. ان کا ایک معبود جینس نام کا تھا, جس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آغاز کرنے والا خدا ہے, کسی چیز کی شروعات کرنے والا خدا ہے. جینس کہتے تھے, ایٹلی زبان میں جینس کے معنی یہی ہیں, آغاز کرنے والا. یہ ہے, کئی معبودوں کو مانتے تھے اور مشرک لوگ تھے. انہی معبودوں میں سے ان کا ایک معبود جینس تھا. جب انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تو انہوں نے سوچا, ویسے عیسائی مذہب بھی خود تخلیص کا عقیدہ ہے, تین ایک ہیں, ایک تین ہیں, باپ, بیٹا اور ماں, اور اب تک یہ حل نہیں کر سکے اور الہ مانتے ہیں. تو خود مشرک لوگ ہیں وہ, لیکن یہ لوگ ان سے کہیں زیادہ مشرک تھے. چنانچہ جب انہوں نے یہ عیسائی مذہب قبول کی تو ان کو اپنے اس خدا یا اپنے اس معبود کی یاد تازہ کرنے کے لیے انہوں نے سات, چونکہ ان کا نام تھا آغاز کرنے والا خدا, تو جنوری جو پیدائش کے سال سے قریب تھی, پیدائش کے وقت ایک ہفتے پہلے, انہوں نے جنوری کے شروع میں اپنے اس خدا کی پوجا کرنا شروع کیا تاکہ شروعات خیر سے ہو, بھلائی سے ہو, اور اس طرح سے عیسوی تاریخ لوگوں نے شروع کر دی.
مزید تاریخ کے حوالے سے یہ بھی چیز آپ کو ملے گی کہ سولہویں صدی، اس وقت 2000 میں ہم لوگ چل رہے ہیں، سولہویں صدی میں اسکاٹ لینڈ کے اندر انہوں نے سب سے پہلے یہ جشن منایا، یکم جنوری کو سولہویں صدی عیسوی میں اسکاٹ لینڈ نے منایا، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش اگر ان کے کہنے کے مطابق 25 کو ہوئی ہے تو پھر 1 جنوری کو یا 12 بجے رات سے منانا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے باقاعدہ یہ چیز شروع ہو گئی۔ لیکن یاد ہونا چاہیے کہ یہ عیسائیوں کا ہے، اور پہلے عیسائیوں اور یہودیوں میں بہت دشمنی تھی، کیونکہ عیسائی دھرم کو اگر کسی نے برباد کیا ہے تو یہودیوں نے برباد کیا۔ لیکن سوئے اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے کہ اس وقت دونوں دوست ہو گئے ہیں، اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حقیقت میں دوست نہیں ہیں۔ اب ہم بحیثیت مسلمان کیا اسے منائیں یا نہ منائیں، کیونکہ ایک تو یہ تاریخ بھی غلط ہے پیدائش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی، اور ان کے شرکیہ اعمال کی وجہ سے دیکھا جائے تو بھی ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ ان کے اس معبود جو کی پوجا کے اعتبار سے ان لوگوں نے کیا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا مذہب شرک کی مخالفت کرتا ہے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن یہاں اگر ہم اس بات کو کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تنگ ذہن لوگ والے، یہ لوگ تنگ ذہن، تنگ نظر، ہر چیز کو مذہب سے دین سے جوڑ کر کے اور خوشیاں منانے سے روکتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں ایسے لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ تیوہار کسے کہتے ہیں، عید کسے کہتے ہیں، اس دن کو اگر یہ ہے نام کچھ بدل دیں لیکن کیا عید کہہ سکتے ہیں یا نہیں، چونکہ یہ لوگ تیوہاری کے طور پر مناتے ہیں۔ اگر کرسمس ڈے 25 کو ہے تو اسی قریبی کی تاریخ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ میں نیت کی تھی لیکن اگلا مہینہ ہجری کا محرم کا تھا، محرم سے تاریخ کی شروعات ہوئی، لیکن ہمارے مذہب نے اس کو نہ منانے کا حکم دیا نہ اس کی مبارکبادی کا حکم دیا، بلکہ ایک تاریخ کے طور پر اس تاریخ کو یاد کر کے اپنے اسلام کے تئیں غلبے کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کہتے کسے ہیں؟ امام ابن تیمیہ اور بعض اہل لغت کہتے ہیں عید کہتے ہیں کہ وہ وقت جس کے آنے پر لوگ خوشی منائیں، یا کہتے ہیں کہ ایک چاہے سالانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں لوگ اکٹھا ہو کر کے کسی مخصوص دن میں اگر اپنی خوشیوں کا اظہار کریں، اس مناسبت سے کوئی مخصوص عمل کریں یا اپنی تہذیب و کلچر کا اظہار کر رہے ہیں، اسے عید کہتے ہیں، اسے تیوہار کہتے ہیں۔ لہذا جب یہ تیوہار ہوا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بلا شبہ یہ کیا ہے، تیوہار ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کا اپنا اپنا طریقہ اور اپنی اپنی سنت تھی، لہذا ہمارا مذہب اس کو باقی رکھتا ہے، ہم اسی پہ قائم رہیں گے۔ اب یہ ان کا عید ہو، ان کی عید ہے اور اس کی مناسبت سے کام بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جشن آزادی مناتا ہے تو آزادی سے متعلق کام اس میں ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کوئی ڈے مناتا ہے جیسے عید میلاد تو اس مناسبت سے یہ سوچ ہوتی ہے، یہ کام ہوتا ہے، یا اور بھی جو مختلف ڈے ہوتے ہیں اس مناسبت سے کام ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ چیز عید نہیں ہے تو اس مناسبت سے لوگ کیوں ایک دوسرے کو مبارکبادی یا کارڈ تقسیم یا ساری چیزیں کرتے ہیں؟ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت کے جو 4 مصادر ہیں ان سے اس تیوہار یا اس عید کے تئیں ہم نے روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر ہمارا مذہب میں اجازت دیتا ہے کھیل کود کی، ایسے اشعار پڑھنے جس سے کہ مسلمانوں کے اندر قوت بیداری یا ان کے جنگوں کے واقعات جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کیا لوگوں کو کھیلتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قوم کا کی عید ہے، یہ ہماری عید ہے، اور اگر یہ عید نہیں ہے تو آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ انہیں دو دن مخصوص کر رکھے تھے اپنے تہوار کے طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے دن ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ دن ایسے ہیں جس میں ہم لہو لعب کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ اگر عادت ہی کی بات تھی تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخصوص دنوں میں کھیلنے کودنے سے منع کیا اور کہا اللہ رب العزت نے اس کے بدلے تمہیں دو بہتر دن عطا کیے ہیں، اور وہ دو بہتر دن عید اور بقرا عید ہیں، جن میں عید 10 دنیا کی سب سے بہتر راتوں کے بعد آتی ہے، اور دوسری عید جو دنیا کی سب سے بہتر دن 10 دن کے بعد یعنی عید الاضحیٰ آتی ہے، اور ان دو عیدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا، اس کے علاوہ تمام عیدوں تمام تہواروں کو ختم کر دیا۔ تو سنت سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ آیت جو میں نے شروع میں پیش کی تھی وہ آیت بھی ہمیں عیسائیوں یہودیوں اور کافروں کے تہوار میں شرکت سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، مومنین کی صفات عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زور میں شریک نہیں ہوتے اور لغو سے جب گزرتے ہیں تو صرف یعنی اس کی طرف توجہ دیے بغیر شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر زور سے کیا مراد ہے؟ کئی مفسرین جیسے ربیع بن انس، قادر بویالہ، طحاف، مجاہد، بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں لغو سے مراد مشرکوں کے تیوہار۔ اب یہ ان کا جب تیوہار ٹھہرا تو اس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بخوبی ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن سے بھی ہمیں ان کے تیوہاروں میں شرکت سے روکا گیا ہے، حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے تیوہار یا اپنے عید پر اتفاق کریں بقیہ کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور اگر ہم اجماع سے دیکھیں تو یہود و نصارہ کے تیوہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منائے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ذمی جو یہودی اور نصرانی مسلمانوں کے شہروں میں ٹیکس دے کر رہنا چاہتے تھے انہیں اجازت ملتی تھی۔ ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ضوابط بیان کیے، ان میں سے ایک قانون یہ بھی بنایا کہ جو بھی یہودی یا عیسائی مسلمانوں کے شہر میں رہیں گے وہ اپنے تیوہار نہیں منا سکتے، اور بعد میں علماء فقہا نے اس پر اتفاق کیا کہ وہ جب یہ منائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور یہاں کے لوگوں پر غلط اثر چھوڑیں گے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر بن عاص نے فرمایا کہ جو شخص مشرکوں کے علاقوں میں گھر بناتا ہے، ان کے نوروز و مہرجان جو ان کے تیوہار تھے اس میں شرکت کرتا ہے تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اقوال ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان کی نہ تو زبان سیکھنی چاہیے نہ ان کے تیوہاروں میں شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں شرکت سے ہم جزئی طور پر یا کلی طور پر ان کی موافقت کریں گے، اگر وہ شرک کرتے ہیں تو ہم شرکیہ اعمال میں مرتکب ہوں گے۔ اور ہمارا ایک مصدر قیاس بھی ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس تیوہار میں شرکت ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کا ایک اپنی سنت ہے، لہذا اگر یہودیوں کا اپنا طریقہ ہے، عیسائیوں کا اپنا طریقہ ہے تو ہمارا مذہب ان کے طریقوں سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ خاص طور سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن لوگ خوب شراب نوشی کرتے ہیں اور شراب نوشی کرنے والے عمل کو اللہ رب العزت نے رجس من عمل الشیطان کہا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور حدیث کے اندر اس قسم کے کام کرنے والے ان کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کے تعلق سے تین وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کے چہرے سور اور بندروں کی شکل میں اللہ رب العزت کے چہروں کو تبدیل کر سکتا ہے،
इन्हें धंसा सकता है, इन पर कस कंकर पत्थर की बारिश कर सकता है। लिहाजा इस दिन जो काम किया जाता है शराब नोशी होती है, फजूल खर्ची होती है, चाहे कुमकुमों की शक्ल में, रास्तों की आराइश और जिबाइश की शक्ल में, या और दीगर प्रोग्राम होते हैं उसमें जो फजूल खर्ची होती है। कुरान में इन्नल्मुबद्दिरीन कानू इख्वानश्शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। लिहाजा अगर हम उनमें शरीक होते हैं, ताउन करते हैं, तो हम भी शैतान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हम उनके भाई करार पाते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर हम मजीद ये है कि इसमें मर्द औरत बेहिजाबी के साथ खलवत में या वैसे ही करते हैं, आतिशबाजी होती है, और इसी तरह से गाने बजाने ना जाने क्या क्या खुराफात होती है, अगर हम इसमें शरीक होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें भी उन चीजों का कुछ हिस्सा मिलेगा। अगर इस मौके पर हम किसी को मुबारकबादी देते हैं तो गोया कि उस शिर्की अमल जिसकी मुनासबत से ये प्रोग्राम हुआ है, वो फजूल खर्ची जिसको करने वाले शैतान के भाई हैं, वो अमल जो शैतानी अमल है, और वो हयासोज या अखलाक बाख्ता जो चीजें होती हैं जो इस्लामी मिजाज इस्लामी शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम उसमें भरपूर ताम करते हैं। लिहाजा जब हम ये चीज जानते हैं कि ये उनका त्योहार है जिसकी तारीख भी सही नहीं, जिसकी शुरुआत शिर्क पर मबनी है, जो करने वाले यहूदी और ईसाई और इस्लाम दुश्मन और अल्लाह के दुश्मन है, जिनकी मुखालफत हमारे दीन का हिस्सा है, लिहाजा इन सारी चीजों के बावजूद अगर हम अपने पैसों को अपने वक्त को खर्च करते हैं, सर्व करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हमारा शरीक होना एक घिनौना अमल होगा, और उसमें उनको मुबारकबादी देना, या अगर हम किसी स्कूल के जिम्मेदार उस मुनासबत से छुट्टी करते हैं, या टीचर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड इशू करने का हुक्म देते हैं, या उन्हें गिफ्ट देते हैं, या इस किस्म की चीजें मनाते हैं, तो याद रखिए ये सारा का सारा अमल ये एक तरह से ताउन है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वताआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला ताआवनु अलल इस्म वल उदवान, ये इस्म और उदवान सरकशी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुश्मनों को बढ़ावा देने का काम है। हम जब मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा दीन सबसे अफजल, सारी चीजें हमारे यहाँ जो खैर की हैं सब मौजूद हैं, तो हमें इस किस्म की चीजों में ना तो शरीक होना चाहिए, और अगर हम अपने बच्चों के गार्जियन हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि उनके ताल्लुक से हम फिक्रमंद, जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो उसके लिए तैयार कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों में उनके जहन में इन चीज़ों को डालने की ज़रूरत है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल अन रैयती, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। लिहाजा ना इस ताल्लुक से छुट्टियाँ होनी चाहिए, ना इस ताल्लुक से किसी भी किस्म का ताउन होना चाहिए, इसलिए कि इस किस्म का ताउन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के गदब को दावत देने वाला है। और जब हम हर नमाज में 17 दफा वाजिबी तौर पर यहूदो नसारा के तरीकों से बाज रहने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, मग़दूब अलैहिम यहूदी हैं और गालिम ईसाई, और ये चीज़ यहूदियों और ईसाइयों की है, अगर हम उसमें शरीक होते हैं तो गोया कि हम 17 दफ़ा जो वाजिबी तौर पर और 12 दफ़ा जो सुन्नत मौकदा में नफली तौर पर कम से कम जो दुआएं करते हैं उनके तरीकों से दूर रहने के लिए गोया कि अमली तौर पर हम खुद इस दुआ की मुखालफत कर रहे हैं। लिहाजा हमें जानबूझ करके इस किस्म की गलतियों के शिकार नहीं होना चाहिए। अगर हमें कुछ करना था या करना चाहिए तो वो ये है कि हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो रोजाना कम से कम रात में अपने दिन भर के किए हुए आमाल का मुहासबा करे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिका अल्यौमा अलैका हसीबा, अपनी डायरी पढ़िए आप खुद उसके जवाब दें। बहुत सारे लोगों के बारे में आता है, अहनफ इब्ने कैस के बारे में आता है कि वो चिराग पे अपने हाथ को रख करके और कहते हैं कि चख, और इस तरह से अपनी गलतियों को याद करके तौबा इस्तिगफार करते थे। एक और के बारे में आता है कि अपने चारपाई के नीचे
गढ़ा खोद के रखते थे और उसमें लेट जाते थे ताकि कब्र की याद ताजा हो, ज्यादती करते थे। लेकिन ये भी एक तरीका था एहसास का, हमें अगर कुछ करना है तो जिस तरह से माली साल लोग अप्रैल से मानते हैं और मार्च को क्लोजिंग वाला महीना कहते हैं, पूरे साल का हिसाब देखते हैं और आइंदा साल के लिए प्लानिंग करते हैं। अगर हमें कुछ करना था तो हम मुसलमान हैं, सिर्फ हमारा ये हिजरी कैलेंडर सिर्फ रमजान या हज के लिए नहीं है बल्कि इसे हमें पूरे साल नाफिज करने के लिए है। इससे हमारे इस्लाम की शान शौकत का इजहार होता है। हमें उस साल के आगाज के मौका पर जिसे बदनसीबी से लोगों ने सोग बना दिया है उस मौके पर हमें जायजा लेना चाहिए। ठीक है अगर उस मौके पे नहीं, हमें तो रोजाना जायजा लेना है। अगर लेना ही है जायजा तो हमें इस साल के आगाज में हमें ये सोचना चाहिए कि ये गुजरा हुआ साल हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूरी या अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुर्बत के तहत साबित हुआ या किस एतबार से हम कामयाब रहे या नाकाम रहे। कामयाबी के असबाब ढूंढ करके आइंदा उसमें बाकी रहने और नाकामी के असबाब ढूंढ करके उसे बाज रहने के तालुक से सोचना चाहिए। इसलिए कि कामयाब शख्स वो है जो कोई काम करने से पहले सोचता है और करने के बाद भी सोचता है कि किस हद तक कामयाब है किस हद तक नाकाम है। अगर कुछ करना था तो हमें ये करना चाहिए। इसलिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल है हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने नफ्सों का मुहासबा कीजिए कि आपके यहाँ हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद के तहत क्या कोताहियाँ हुई हैं या नहीं हुई हैं, क़ब्ल इसके कि अल्लाह ताला आपसे हिसाब किताब ले। अपने आमाल को तौल लो क़ब्ल इसके कि वहाँ पर जब अदल का मीज़ान कायम हो तो तुम्हारे आमाल तौले जाएँ और अपने आप को उस दिन की पेशी के लिए तैयार करो। तो एक मुसलमान का शेवा ये होना चाहिए कि वो अपने ताल्लुक से, अपनी औलाद के ताल्लुक से और अपने घर वालों के ताल्लुक से, अपने रिस्क के हलाल या हराम होने से मुताबिक, अपने औकात के ताल्लुक से कि हमारा वक्त तेज धूप में बर्फ की उस सील के मानिंद पिघल रहा है, हम किस हद तक उसे सही चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जिंदगी के जो बहुत सारे औराक थे एक वर्ष और उलट रहा है। अब हमें जो बचे हुए अय्याम हैं जिनकी बाबत हमें कुछ पता नहीं कितने दिन रहने हैं, हमें उसके तालुक से फिक्रमंद होना चाहिए, ना कि इस किस्म के शैतानी अमल में मुलव्वस होकर के लग करके अपनी आकबत को खराब करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हमें ऐसे मौकों पर जो इनके यहाँ खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं, उन्हें पढ़ने, उन्हें जानने और उनके दरमियान आम करने उनकी खामियों उनकी गलतियों को मगलूब होकर इख्तियार करके अपने दीन ईमान का सौदा करने की तौफीक दे। हालात में तो हमें ये तौफीक दे कि हमें अपने ईमान के तहत फख्र हो और उस पर जमने से मुतालिक हम तुझसे बराबर तौफीक तलब करते रहें। मेरा हर आदमी तू हमें दीन की सही समझ अता फरमा और जब तक हम जिंदा रहें तेरे दीन पर कायम रहें और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन।